मेरे स्कूल का एक ऐसा दिन जिसको मैं शायद ही जिंदगी भर कभी भूल पाऊंगा, यानी एक दिन मेरी बहस एक ऐसे शख्स से होती है जो फूलिश यानी बेअक्ल होता है। हम दोनों की उस बहस यानी कि डिबेट को मेरा टीचर उस दौरान देख और सुन रहा था। हम दोनों के बहस ख़त्म हो जाने के बाद मुझे टीचर अपने ऑफिस में बुला कर के ले जाता है और एक कहानी सुनाने लग जाता है। कहानी एक जंगली घोड़े और गधे की है कि वह दोनों जानवर एक बार जंगल के अंदर चर रहे थे। चरते चरते उन दोनों जानवरों की आपस में बहस इस बात पर हो जाती है कि घोड़ा कहता है घास नीला होता है और गधा कहता है कि घास नीला होता है। उनकी बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और झगड़ा होने लग जाता है। उसी दौरान जंगल का बादशाह यानी कि शेर उनके पास पहुंच जाता है और झगड़े को सुलझाने लगता है और दोनों को अपने पास बिठा देता है और अपनी अपनी कहानी सुनाने का ऑर्डर दे देता है। सबसे पहले गधा अपनी कहानी सुनाने लग जाता है। गधा कहता है कि सर, मैंने कहा कि घास नीला होता है और ये कहता है यानी घोड़ा कहता है कि घास नीला होता है। और जंगल का शेर उस बात को सुनकर हंसने लग जाता है। उसके बाद बारी घोड़े की होती है तो घोड़ा भी यही कहानी सुना देता है, यानी कि घोड़ा कहता है कि सर, मैंने गधे से कहा कि घास नीला नहीं हरा होता है। उसके बाद शेर अपना एक डिसीजन ले लेता है कि घोड़े को एक साल के लिए जेल भेज देना चाहिए और दोनों का यानी गधे और घोड़े का बिना टाइम गंवाए शेर घोड़े को एक साल की सज़ा सुना देता है और उसको जेल भेज देता है। घोड़े का एक साल का जेल ख़त्म हो जाने के बाद वह अपील उस शेर के पास कर देता है। जैसे वो अपनी अपील शेर के पास ले जाता है तो शेर उससे आराम से समझाने लग जाता है कि घोड़े, आपको इतनी जानकारी तो है कि गधा सारे जानवरों में से एक ऐसा जानवर है जो बेअकल यानी फूलिश होता है। अगर कोई जानवर फूलिश जानवर से यानी बेअकल जानवर से बहस करे तो वो जानवर भी फूलिश ही कहलाता है, यानी बेअकल उस जानवर को भी समझा जाता है। इसीलिए आपको उस बहस की वजह से ही एक साल की कैद मैंने सुनाई थी। तो यह बात सुनकर घोड़ा चुप हो जाता है और खड़ा होकर शेर को सलाम करता है और शेर के दरबार से बाहर निकल पड़ता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से एक ही बात समझ में आ जाती है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में बेअकल यानी
नासमझ लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई समझदार आदमी किसी नासमझ आदमी से बहस करता है तो वो आदमी समझदार नहीं बल्कि नासमझ ही कहलाएगा। तो दोस्तों, आपको ये मेरी जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।